इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग गैंगबो को देखते हैं जहाँ पे वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है। तब उसे पता चलता है कि उसी के एक लफंगे फ्रेंड का कार एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पे डॉक्टर्स बाहर निकलते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब वह खतरे से बाहर है, इसलिए वे लोग जाके मिल सकते हैं, लेकिन अब वह कम से कम 6 महीने तक ट्रंप नहीं बजा सकता। अब यहाँ पे बाकी फ्रेंड्स रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे उसे होश आ चुका था। अब यहाँ पे ये लोग बातें करते हैं, बट वहीं पे बाहर देखते हैं जहाँ पे सभी लोगों को इस कार एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था और वहाँ पे सूर्य भी टीवी देख रही थी, इसलिए वो भी परेशान हो जाती है। लेकिन इसके साथ यहाँ पे सीनियर स्टाफ थे, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है। तब यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि उन लोगों को हॉस्पिटल आने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही मीडिया के काफी लोग है और वे लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे मीडिया उन्हें देखे। वहीं पे सीनियर मैम मिस्टर चोय को कॉल करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। तब मिस्टर चोय उन्हें बताते हैं कि वो भी हॉस्पिटल में ना आए क्योंकि यहाँ पे मीडिया के आदमी हैं और वे खुद ही स्टूडियो पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे सीनियर मैम स्टूडियो पहुँच कर मीटिंग बैठाती है जहाँ पे वे जल्द से जल्द बताते हैं कि मीडिया को किसी प्रकार से संभाला जाए, नहीं तो वो बात का बतंगर बना देंगे। दूसरी तरफ हम लोग कैंगबो को देखते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रेंड के मॉम के पास जाता है और उन्हें किसी प्रकार से खाने के लिए अप्रोच करता है क्योंकि उन्होंने कल रात से ही कुछ नहीं खाया था। अब यहाँ पे खाना खाने के वक्त तो कैंगबो के फ्रेंड की मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल थी और बहुत ज्यादा ही टेंशन में थी और वो अपने बेटे के बारे में बार बार बातें किए जा रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन यहाँ पे कैंगबो किसी प्रकार से उन्हें समझाता रहता है। वहीं पे मिस्टर चोय सीनियर मैम से मिलने के लिए स्टूडियो पहुँचते हैं। तब यहाँ पे सीनियर मैम उन्हें बताते हैं कि मीडिया में बहुत तेजी से यह बात वायरल हो रही है और सभी लोगों का अटेंशन पूरी तरह से कैंगबो के लफंगे फ्रेंड की तरफ है और यहाँ पे लोग सोरियम के और उसके फ्रेंड के परफॉर्मेंस के बारे में भूल चुके हैं, इसलिए उन्होंने अभी अभी ही फैसला किया है कि वे अभी सोरियम को सिर्फ मौका देंगे, उसके बाकी फ्रेंड्स को नहीं देंगे और सिर्फ सूर्य में आगे निकल सकती है। अब यहाँ पे मिस्टर चोय तो इस बात को सुनने का बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह सीनियर मैम के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे मिस्टर चोय चाहते हैं कि सूर्य और उसके फ्रेंड तीनों के तीनों ही आगे निकली। अब यहाँ पे मिस्टर चोय सर में बहुत ज्यादा ही दुखी दिखाई देती है। लेकिन इधर हम लोग कैंगबो को देखते हैं जहाँ पे उसके डैड यानी कि ये मिस्टीरियस आदमी मिस्टर मिनसू कैंगबो के लफंगे फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचते हैं और इनकी कॉमेडी की तो बात ही अलग है और मिलने का स्टाइल ही। थोड़ी देर के बाद ये भी इससे मिलने के बाद चले जाते हैं। अब जब कैंगबो यहाँ से थोड़ा परेशान था तभी उसे सोरियम कॉल कर देती है। तब यहाँ पे कैंगबो उसे बताता है कि यहाँ की हालत बहुत ज्यादा ही खराब है क्योंकि मीडिया तो यहाँ से अभी अभी निकल चुकी है लेकिन कैंगबो बहुत परेशान है। तब यहाँ पे सोरियम कैंगबो से कहती है कि अगर उसके दिल में कोई भी बात है तो वह सोरियम से बता सकता है क्योंकि सोरियम एक ऐसी है जो कि उसकी सभी बातों को समझ सकती है। लेकिन यहाँ पे हम ली उनको देखते हैं जो कि सोरियम की इन सभी बातों को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और जब सोरियम उसके पास पहुँचती है तब यहाँ पे तो ली उसके ऊपर पूरी तरह से गुस्सा होकर झाड़ने लगता है और कहने लगता है कि इस हालात में भी वो कैंगबो से कैसे बातें कर सकती है क्योंकि अभी उसे कंपटीशन पे ध्यान देना है और वो नहीं चाहता कि उसकी सभी मेहनत पानी में फिर जाए और इतना कहने के बाद वो गुस्सा होकर चला जाता है। लेकिन सूर्यम को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। वहीं पे हम लोग कैंगबो के दूसरे लफंगे फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पे वो काफी परेशान होकर स्टूडियो में बैठा हुआ था। तभी उसके पास सीनियर स्टाफ चली आती है और उसे बातें करने लगती है लेकिन यहाँ पे तो उसका बॉयफ्रेंड अचानक से उसे किस कर देता है और यहाँ पे एक नया रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं पे सीनियर मैम अपनी मीटिंग कर करके थक गई थी इसलिए वे वहाँ पे कैंगबो के डैड के पास जाते हैं क्योंकि वह उनके म्यूजिक को काफी पसंद करती थी और यहाँ पे कैंगबो के डैड उनके सामने काफी अच्छी तरह से गाना गाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैंगबो को देखते हैं जहाँ पे वो अपने फ्रेंडशिप के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। अब जब वह हॉस्पिटल पहुँचता है तभी वो देखता है कि वहाँ पे उसका फ्रेंड अपने बाकी फ्रेंड से बातें कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कैंगबो परेशान था इसलिए उसका लफंगा फ्रेंड उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो उसकी इस हरकत को देखने के बाद चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर वो ये कैसे समझ सकता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, बाहर मीडिया पूरी तरह से हल्ला करके रखी हुई है और यहाँ पे वो बार बार ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है और कैंगबो इतना कुछ चिल्लाने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब सोरियम उसके पीछे जाती है लेकिन यहाँ पे सोरियम उससे बातें करते उससे पहले ही कैंगबो की कार चली आती है और तब कैंगबो कहता है कि उसे अभी किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है और कैंगबो यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कैंगबो भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है
वहीं पे हम लोग मिस्टर चोई को देखते हैं जो कि अपनी टीम के बारे में सोच सोच के पूरी तरह से परेशान हो रहे थे। और तीसरी तरफ हम लोग चेसुल को देखते हैं जो कि अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि सीबॉर्न मिस्टर चोई से मिलने के लिए पहुंचता है और वो वहां पे उन्हें बताता है कि एक्सीडेंट के बारे में उसे भी पता चला है और वो वहां उनसे मिलना भी चाहता था बट वो वहां पे ब्रेक पर है इसलिए उसने कॉल पर ही बातें कर ली थी। लेकिन मिस्टर चोई यहाँ पे सब कुछ सीबॉर्न को बता देते हैं और कहते हैं कि वह जल्द से जल्द सूरिम को सही से ट्रेन करे और उसके बाकी फ्रेंड्स को भी, क्योंकि यहाँ पे सीनियर मैम पूरी तरह से उन लोगों को टीम से बाहर निकालने के फैसले पे आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे सीबॉर्न कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह अभी फिलहाल छुट्टी पर है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर चोई उसे कहते हैं कि वह सिर्फ और सिर्फ सीबॉर्न और उसके फ्रेंड से विश्वास करते हैं और यहाँ पे सूरिम की कैरियर उसके ऊपर है और यह पूरी जिम्मेदारी सीबॉर्न की है। तब यहाँ पे सीबॉर्न भी काफी परेशान हो जाता है और काफी कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पे हम लोग कैम्बो को देखते हैं जहाँ पे वो काफी परेशान होकर जब स्टूडियो पहुँचता है तभी उसकी नजर वहाँ पे एक गोली भी पड़ती है। तब उसे याद आता है कि कहीं यह गोली उसका फ्रेंड तो नहीं लेता था, इसलिए कैम्बो काफी परेशान होकर अपने उसी लफंगे फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। बट यहाँ पे वो उसे शुरुआत में नॉर्मली बातें करने की कोशिश करता है और तब अचानक से उसे इस गोली के बारे में पूछता है। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि ये गोली तो उसका नहीं है। लेकिन कैंगो उसे कहता है कि आखिर वो कब तक इसके बारे में झूठ बोलते रहेगा और उसे बार बार पूछता है। तब उसका फ्रेंड उसे बता भी देता है कि हाँ ये गोली उसी की है लेकिन उसने आज तक इस गोली को एक बार भी टेस्ट नहीं किया। लेकिन कैंगो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है, अगर उसे कोई भी परेशानी है तो वो डायरेक्ट उसे कहना चाहिए। और यहाँ तक कैंगो उसे कह देता है कि उसे लगता है कि उस दिन जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो वो इस गोली को खा चुका था। लेकिन यहाँ पे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो बिना मतलब के शक कर रहा है क्योंकि वह कंपटीशन को तैयारी को लेकर 10 दिन से बिल्कुल भी सही से नहीं सो पाया है और इसलिए कार चलाने के वक्त उसे गलती से नींद चली आई थी और इसी का उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब कैंगो इस रीजन को जानने के बाद उसे गले लगा लेता है क्योंकि वह 10 दिन उसे प्रैक्टिस कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पे कैंगो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि वह अपने फ्रेंड के कॉम्पिटिशन की तैयारी को लेकर कभी भी यह ध्यान नहीं दिया कि उसका फ्रेंड कितने ज्यादा थक गए थे और कैंगो अपने आप को इसका जिम्मेदार समझने लगता है। अब जब सूरिम उसके पास आती है तभी अचानक से वो उसे गले लगा लेता है और कैंगो अपने बारे में ही कहने लगता है कि यह सब उसी के कारण हुआ है क्योंकि वो अपने फ्रेंड का सही से ख्याल रखता तो आज उसका एक्सीडेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे तो सूरिम कुछ भी नहीं समझ पा रही थी बट यहाँ पे यह एपिसोड खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।